आज मैं एक सैलेड बनाऊंगा और ये जो सैलेड है ये इंस्पायर्ड है थाई फ्लेवर से। सो कुल मिला के यू कैन से कि इट्स अ थाई सैलेड या थाई फ्लेवर्ड सैलेड। यू नो थाई खाना ना हिंदुस्तानी खाने से काफ़ी इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इंडियन फूड में होते वही थाई फूड में भी आपको मिलते हैं। तभी नॉट जस्ट थाई फूड बट पूरे साउथ ईस्ट एशियन फूड हम सब बहुत इन्जॉय करके खाते हैं। और थाई फूड की खासियत है कि उसके अंदर खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा सब कुछ एक साथ होता है। और यही खूबसूरती है हिंदुस्तानी खाने की कि अलग अलग मसाले, अलग अलग फ्लेवर्स एक डिश में। वही खूबसूरती थाई खाने में भी है। आज हम बनाएंगे थाई इंस्पायर्ड सैलेड। सिंपल सैलेड है। जो सब्जियां मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तो आप भी यूज़ कर ही सकते हैं, जस्ट इन केस एक दो सब्जी आपके पास वो नहीं है, इट्स परफेक्टली ओके। मेक श्योर कि आप ड्रेसिंग एकदम बढ़िया कमाल की बनाएं, क्योंकि एक बार ड्रेसिंग आपकी बढ़िया बन गई आप उस ड्रेसिंग के अंदर कोई भी सब्जी डाल सकते हैं अपनी पसंद की। तो चलिए बनाते हैं थाई वेज सैलेड विथ चिली गार्लिक ड्रेसिंग। ना सबसे पहले हम बनाएंगे ड्रेसिंग, उसके बाद चलेंगे सब्जियों की तरफ। ड्रेसिंग बनाने के लिए ज़रूरी है, कहाँ गया ये रहा, गार्लिक का इस्तेमाल। और गार्लिक को हमें थोड़ा कूटना है। ये ऑलरेडी मैंने चॉप कर लिया, आप चाहें तो साबुत भी लेकर उसे कूट सकते हैं। तो ज़रा सा गार्लिक, और इसे हम अच्छे से कूटेंगे। कूट इसलिए रहे हैं ताकि जो गार्लिक का जूस है वो हम इस्तेमाल कर सके, साबुत गार्लिक मुंह में ना आए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या होता है, थोड़ी फ्रिक्शन बनती है, उससे जो गार्लिक है वो अच्छे से पिस जाता है। ये पिस गया, लेट मी शो यू। ये बिल्कुल पेस्ट हो गया। आई विल जस्ट स्क्रैप इट ऑफ। तो ये गार्लिक पेस्ट गया अंदर। गार्लिक के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा शहद, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसमें मैं डाल रहा हूं बारीक कटी हुई अदरक। इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो गया, मीठा हो गया। अब इसमें जाएगा नमकीन। ये है लाइट सोया सॉस। सोया सॉस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग उमामी फ्लेवर होता है, और उमामी फ्लेवर जो नेचुरली अकरिंग फ्लेवर है वो जिस भी इंग्रेडिएंट या डिश के अंदर होता है वो उस डिश के फ्लेवर को एनहेंस कर देता है। इसमें मैं डालूंगा चिली सॉस। खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा सब आ गया। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पीनट बटर। नाउ पीनट बटर इज टोटली ऑप्शनल। अगर आपको नहीं डालना या आपके पास नहीं है यू कैन अवॉइड इट। पीनट बटर की जगह आप रोस्टेड एंड क्रश्ड पीनट्स भी डाल सकते हैं, जस्ट अ हैंडफुल। इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा सेसमे ऑयल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पीनट बटर है ना, उससे थोड़ा समय लगेगा इसमें मिलने में, इसलिए उससे आप आराम से विस्क से अच्छे से मिला लीजिए। देयर यू गो। देखिए कितनी सिंपल सी इसकी ड्रेसिंग है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज बर्स्टिंग विद फ्लेवर। ये आप सिर्फ टमाटर, प्याज और खीरे के ऊपर भी डाल के खाएंगे ना, ट्रस्ट मी इट विल बी ब्रिलियंट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, टू गुड, यम। इसे मैं कहूँगा किलर ड्रेसिंग। ड्रेसिंग तैयार है। अब चलते हैं सब्जियों की तरफ। देखिए सब्जियों के साथ साथ आप फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलेड्स इंटरेस्टिंग होती हैं जब आप उसमें अलग अलग तरीके का फ्लेवर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ सब्जियाँ डालेंगे ना आप खुद ब खुद थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे, लेकिन वहीं पर आप अगर कुछ इंटरेस्टिंग से फ्रूट्स डालते हैं, जैसे सर्दियों में स्ट्रॉबेरी आती है या फिर गर्मियों में आम आता है, तो वो अपने आप बढ़िया इंटरेस्टिंग सी एक डिश बन जाएगी और आप बार बार खाएंगे। पिछले साल मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ पे थाई मैंगो बहुत पॉपुलर है, तो जिनसे मुलाकात हुई वो लोकल थाई थे, तो बड़े प्राउडली वो दिखा रहे सी थाई मैंगो वेरी नाइस। तो मैंने खाया, अच्छा था, ख़राब नहीं था। और मैंने उनको बोला हैव यू एवर ईटन इंडियन मैंगो? कह रहे इंडियन मैंगो ठीक ठीक है। मैं बोला आर यू ओके? दुनिया की बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, सबसे ज़्यादा वैरायटी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में मिलती है। ये एक ऐसा फ्रूट है अगर आपको खाना है हिंदुस्तानी आम ही खाएं, अफ्रीकन हो या किसी और कंट्री का हो, नई बात बनेगी। ऑलराइट, इसके मैं पतले पतले स्लाइसेस काट रहा हूँ। यू सी ब्यूटीफुल। आम तैयार है। आम को हम डालेंगे एक बोल में। इसमें जाएगी ये चाइनीज़ कैबेज, जिसे हम नापा कैबेज भी बोलते हैं। अगर आप चाहें तो रेगुलर जो हमारी पत्ता गोभी होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ पर्पल कैबेज। लुक एट ऑल दोस कलर्स, ब्यूटीफुल दे लुक। थोड़े से रेड पेपर, कच्चा पपीता, पतला कटा हुआ कच्चा पपीता। कच्चा पपीता भी काफ़ी मज़ेदार इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, जो भी ड्रेसिंग आप डालेंगे उसमें रिल मिल जाता है। थोड़ी सी गाजर, थोड़े से स्प्रिंग अनियंस और थोड़े मिंट लीव्स। अब इसमें हम डालेंगे ज़रा सा नमक, मामूली सा नमक और हल्का सा लेमन जूस। इससे क्या होगा, एक बेसिक टेस्ट इन सब्जियों को मिल जाएगा, ताकि ज़रा सा नमक नींबू उसके अंदर तक चला जाए। थोड़ा पानी भी ये रिलीज़ करेगा विच इज़ परफेक्टली ओके। इसे हम इस तरीके से मिलाकर रख देंगे। There you go. अब इसमें हम डालेंगे हमारी ये ड्रेसिंग। अच्छे से इसे मिलाना है। बी केयरफुल नॉट टू क्रश दी वेजीज इस स्टेज पे। और हाँ, सब्जियों का तापमान अगर ठंडा रहेगा सैलड अच्छी लगेगी, विच मीन्स के ये जितनी भी सब्जियां या फल हैं इन सबको आपको फ्रिज में रखना है, और जब आप इसे काटें इसका टेम्परेचर भी ठंडा होना चाहिए ताकि सैलड बढ़िया और क्रंची निकले। एट द सेम टाइम ड्रेसिंग आपको सर्व करने से 5 मिनट पहले डालना है, नॉट बिफोर दैट। लुक एट दिस, ऑसम। खुशबू, गार्लिक, पीनट, सो गुड। Let's just check for salt. Brilliant. अरे वाह, मैंगो एंड मिंट, टू गुड विथ दैट पीनट, ऑसम। सैलेड तैयार है, लेट्स प्लेट इट। और हमारी सुपर यमी, एक्सट्रीमली टेस्टी, वेरी कलरफुल, क्रंची थाई सैलेड डन। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की जो आपको ध्यान में रखने जब भी आप सैलेड बनाएं। देखिए, सैलेड बनाने के लिए सब्जियां जो हैं वो ताज़ी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम ताज़ी सब्जियां काटें जस्ट बिफोर प्रिपेयरिंग द सैलेड एंड सर्विंग द सैलेड। अगर आप बहुत जल्दी सैलेड के लिए सब्जियां या फल काट लेंगे वो थोड़े से लिम्प हो जाएंगे, उनका क्रंच चला जाएगा। सैलेड के अंदर की जो ड्रेसिंग है वो हमेशा अलग से बनती है और फिर सैलेड में मिलाई जाती है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो सैलेड होगी वो जल्दी झुलसेगी नहीं। प्लस आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप सैलेड सर्व करने से 2 से 3 मिनट पहले भी ड्रेसिंग डालकर तैयार कर सकते हैं। देखिए सैलेड जो होती है उसके अंदर जितने अलग अलग तरह के रंग होंगे, मतलब सब्जियों के या फलों के, सैलेड उतनी ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी। सैलेड के अंदर के इंग्रेडिएंट्स का एक ही रूल है कि देयर आर नो रूल्स, मतलब अगर आपकी चॉइस है कोई पर्टिकुलर सब्जी खाने की, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी सब्जी है जो नॉट अवेलेबल है या आपको मिल नहीं रही, दैट्स परफेक्टली फाइन, आप उस सब्जी को किसी और सब्जी से, मिलती जुलती सब्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार ड्रेसिंग सैलेड के अंदर चली जाए, उसके बाद सैलेड को इमीडिएटली आप कंज्यूम कर लें। ऐसा नहीं करेंगे तो सैलेड धीरे धीरे पानी छोड़ेगी, उसके बाद वो लिम्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाद खा नहीं सकते, खा सकते हैं, लेकिन वो क्रंच बरकरार नहीं रहेगा। सैलेड को आप एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, एट द सेम टाइम खाने के साथ भी परोस सकते हैं। सैलेड कोई भी हो, जो सब्जियों का कट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पतला और लंबा भी काट सकते हैं, आप चाहे तो बड़े बड़े चंक्स में भी उसे काट कर परोस सकते हैं।